देख लेना तो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ पीवी वर्क या डिफरेंट थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस में जो हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं वो हमने स्टार्ट किए थे अब उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप ऑफ पीवी वर्क में तो हमने इरिवर्सिबल के लिए पढ़ा था तो आप देख लेना से इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमने वर्क डन पढ़ा था बताओ उसके लिए बता दें मतलब वहां पर वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर या कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे लिख लें सेकंड इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अच्छा था, रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई जब वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होता है तो मुझे बता वहां एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट या वेरिएबल बोलो रिवर्सिबल में वेरिएबल होता है दूसरा लेकिन यहां पर अब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमें यह पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होगा लेकिन मतलब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट के बता क्या लिखा है साथ में आइसोथर्मल लिखा है तो बता प्रेशर एक्सटर्नल वेरिएबल लेकिन टेम्परेचर अब के कॉन्स्टेंट क्योंकि यहां पर आइसोथर्मली हम करवा रहे हैं प्रोसेस तो बता टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल अब इसमें सुन ले ध्यान से मैं डेरिवेशन बता रहा हूं लेकिन डेरिवेशन वो एक पेज का है कोई ज्यादा काम का है नहीं तो मैं डेरिवेशन बस लिख रहा हूं तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है और वो तुम देख सकते हो कहा मिलेगा मॉड्यूल में पेज नंबर 215 मॉड्यूल नंबर वन तो वहां पर देख लें खाली डायरेक्ट फॉर्मुला लिखना हमने ज्यादा कोई काम का लेकिन बस हमें पता थ्योरी हमने यूज करने के लिए डेरिवेशन समझा रहा हूं तो आप देख लें यहाँ काम आना है अच्छा मुझे था जब हमने रिवर्सिबल एक्सपेंशन पढ़ा था तो बता वहां वॉल्यूम V1 से V2 टू इना सिंगल स्टेप हो गया था या इनफाइनेट स्टेप्स में और बता पहली बार वॉल्यूम V1 था फिर डायरेक्ट v2 हुआ या पहले v1 dv हुआ मतलब अदा dv इंक्रीज में जो हुआ वॉल्यूम उसमें भी वर्क डन हुआ ना सबसे पहले और dv इंक्रीज जो हुआ वर्क डन उसके लिए मतलब dv इंक्रीज में वॉल वर्क डन बहुत लार्ज या वेरी स्मॉल जब dv वेरी स्मॉल तो वर्क डन भी वेरी स्मॉल इसलिए बता w लिखा है dw dw और माइनस तो हम यूज करते ही हैं p एक्सटर्नल dv लिखूंगा ना अभी तो बता ये तो एक स्टेप का वर्क डन आया माइनस पी इसी तरह से सेकंड तो से में तो फिर से तो बताओ उससे अच्छा हम क्या कर दे इनका इंटीग्रेशन कर दे और इंटीग्रेशन करोगे तो वॉल्यूम V1 वन से V2 टू हो जाएगा ये क्लियर सबको अच्छा एक्सटर्नल प्रेशर DW का इंटीग्रेशन तो W हम इंटी पी एक्सटर्नल की जगह मतलब गैस का इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस डीपी लिख सकते हैं ना और मतलब प्लस माइनस डीपी इनटू इंटू लिख सकते हो और डीवी को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू पी गैस इंटू डीवी होगा और प्लस माइनस वी वन टू वी टू इंटीग्रेशन डीपी इंटू डीवी होगा अच्छा बता डी की वैल्यू वेरी स्मॉल dv की वैल्यू वेरी स्मॉल तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो और डीपी की वैल्यू 10 रेस दोपहर माइनस टू डीवी की वैल्यू 10 रेस दोपहर माइनस थ्री तो बता माइनस टू माइनस माइनस फाइव तो बता माइनस फाइव पावर वाले टर्म को ऐड करूं या ना करूं कोई फर्क पड़ेगा क्या तो बता डी की वेरी वैल्यू स्मॉल डीवी की वैल्यू वेरी स्मॉल तो डीपी डीवी वेरी स्मॉल तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं एडिशन में से तो 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 इसको कर कर दे तो बता, DP DV को नेगलेक कर दिया गैस तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमने लेकिन मतलब अभी भी मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ प्रेशर है वो वॉल्यूम है तो बता इस प्रेशर को गैस के वॉल्यूम में बदले तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे PV is equals to NRT, तो तो लिख सकते हैं अपॉन वी इन टू डी वी अच्छा बता गैस का जब एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है तो मोल बदलते हैं क्या उसके आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट तो T कॉन्स्टेंट तो बता एनआरटी को ब्रैकेट इंटीग्रेशन के बाहर लिख दें इंटीग्रेशन v1 v2 तो बता एनआरटी अपॉन सॉरी व... एनआरटी बाहर लिख लेंगे हम इंटीग्रेशन से तो -एनआरटी इंटीग्रेशन v1 टू v2 dv by v लिख सकता हूं अच्छा होता dv by v dx by x हो गया ना इसका इंटीग्रेशन log x लेकिन वो log नेचुरल होता है log बेस e में होता है तो बता इसी को क्या लिख सकते हैं हम माइनस एनआरटी लॉग नेचुरल वी लिख सकता हूं लेकिन अपर माइनस लोअर लिमिट भी करेंगे तो बता नेचुरल लॉग वी मतलब लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन लिख सकते हो अपर माइनस लोअर लिमिट लॉग वी की और ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई मतलब लॉग एक्स अपॉन वाई याद रखने के लिए लिख सकते हैं तो वर्क डन माइनस NRT, natural log, V2 by V1, और V2, V1 क्या है फाइनल नहीं कर सकते कैलकुलेशन में क्योंकि बता ये लॉग बेस ई में हमें वैल्यूज नहीं पता होती तो इसको लॉग बेस टेन में बदले और लॉग बेस टेन में इसको चेंज करेंगे तो बता टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग बेस टेन लिख देंगे इसकी जगह तो बता रिवर्सिबल आइसोथर्मल का फॉर्मूला ही क्या आ जाएगा माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो हमने बोला था केमिस्ट्री में लॉग लिखा हो तो लॉग बेस टेन मानते हो तो बता वर्क डन का तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख ले बस डेरिवेशन कोई काम का है नहीं तो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग वी टू बाई वी वन या बता अब यहाँ पर जब एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो, होता है तो बता वॉल्यूम बदलता है तो गैस का प्रेशर भी तो बदलता है ना साथ में हमने पढ़ा ना पी वन वी वन से पीटू वी टू होता है गैस का प्रेशर तो बता अभी तो वॉल्यूम दिया इसलिए हमने सॉल्व कर लिया लेकिन बता इसकी जगह प्रेशर दे दू गैसेज के पी वन पी टू तो भी ला सकते हो अच्छा बता गैसेज के लिए लाना है तो फिर से पी इज इक्वल टू एन आर टी अच्छा टेम्परेचर वेरिएबल या कांस्टेंट कांस्टेंट है अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बताइए एनआरटी पूरा ही कांस्टेंट क्योंकि बता मोल कांस्टेंट आर गैस कांस्टेंट टी टेम्परेचर कांस्टेंट तो बता बॉयल्स लॉ यही तो होता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम पीवी कॉन्स्टेंट को यह लिख सकता हूं ना प्रेशर इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वॉल्यूम तो बता यहां से हम क्या लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू वी टू बाई वी वन और ये हमारे क्वेश्चन में भी काम आएगा रिलेशन ये तो ये भी लिखना तो बता वी टू बाई वी वन की जगह हम पी वन बाई पी टू लिख सकते हैं तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर्मूला क्या हो गया माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एनआरटी लॉग पी वन बाई पी टू और ये दोनों फॉर्मूला जो है

तो बता आर की वैल्यू एट पॉइंट में पुट कर लेना इसी फॉर्मुले में कैलोरी में पूछे तो यही टू पुट कर लेना लीटर एटीएम में पूछे तो पॉइंट जीरो एट टू कर लेना टेम्परेचर तो अकेला है तो हर जगह कैलविन में लेते हैं तो कैलकुलेशन से हम कर लेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन अब देख लें तो ये तो हमने बोला रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन आइसोथर्मलो थ्री एनआरटीन इनको यूज कर लेंगे हम और इसमें होता यहां पर वर्क डन जिस भी यूनिट में लाना उसी में आर की वैल्यू पुट कर लेंगे लेकिन ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अब थर्ड लिख लें रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस in reversible adiabatic process देख ले थर्ड इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अब यहां पर ध्यान सुनना अच्छा पहले जो हमने लास्ट क्लास में हेडिंग फर्स्ट टाइप ऑफ पीवी वर्क पढ़ा था उसको पढ़ो क्या लिखा टॉपिक पढ़ना ध्यान से ओके अब मैं समझाऊंगा क्योंकि मैंने एक चीज लिखी है मतलब फर्स्ट में क्या लिखा इन इिवर्सिबल प्रोसेस मतलब साथ में आइसोथर्मल या एडियाबेटिक कुछ भी मेंशन किया क्या तो ये ध्यान रखना इसका मतलब है कि फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा ही है बट अगर रिवर्सिबल हुआ तो ध्यान से पढ़ो अब लिखा है हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल का अलग फॉर्मूला है रिवर्सिबल एडियाबेटिक में अलग होगा क्यों होगा रीजन उसका अच्छा बता एडियाबेटिक प्रोसेस का मीनिंग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ना तो सिस्टम हीट रिलीज करता है ना हीट गेन करता है मतलब Q0, या बात एक ही है, और, बता अभी जो हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल पढ़ा वहां प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल है ना लेकिन टेम्परेचर वेरिएबल या कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ओनली प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल है बट यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम तो वेरिएबल होंगे ही क्योंकि एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ गैस ही पढ़ना है हमने तो पी वन वी वन पी टू वी टू तो होंगे ही सही साथ में टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है तीनों वेरिएबल होते हैं ऑल आर वेरिएबल्स इसका रीजन मैं वैसे तो ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का ये सुन ले पहले कुछ स्टूडेंट्स को लगता है यहाँ तो टेम्परे हीट तो चेंज हो ही नहीं रही ना हम हीट रिलीज कर रहा है गेन कर रहा है फिर टेम्परेचर क्यों बदला तो ये वैसे हम फर्स्ट ऑफ थर्म से पढ़ेंगे टेम्परेचर दो तरह से बदल सकते हैं या तो हीट से जो भी बदल नहीं सकते दूसरा वर्क से और एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क की वजह से चेंज होता है या ये तुम डिटेल में एडियाबेटिक प्रोसेस फिजिक्स में बहुत पढ़ते हो तो पढ़ाने के पहले बोलो मैं फिजिक्स के फॉर्मले बताऊंगा अभी <laughs> लेकिन बोल रहा हूं कंसेप्ट सारा फिजिक्स का लगना है इसमें तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस का क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी हो तो तुम तो फिजिक्स के कंसेप्ट से कर लेना ओनली ये वाला बस okay, आइसोथर्मल हम केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं वो तो ओनली इसी का है केमिस्ट्री में ज्यादा काम आता है लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस अच्छा तो मैं वहां पर ध्यान हो एडियाबेटिक प्रोसेस में तुम तीन फॉर्मले भी पढ़ते थे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वेरिएबल होते हैं इसीलिए मतलब पीवी, रेस टू द पावर गामा कांस्टेंट मतलब प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल Constant, T रेस द पार गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट या टी रेस सुधपार गामा पी रेस सुधपार वन माइनस गामा कॉन्स्टेंट मतलब टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सब वेरिएबल है तभी तो वो आता है और गामा क्या है पॉइंस रेशियो सीपी पी सीवी तो यहां पर अब इसके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन लाने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ये अभी बस ध्यान रख लो हम आगे इसका डिराइव कर देंगे डेरिवेशन आज ही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू अब बता एडियाबेटिक में क्यू की वैल्यू जीरो लिख भी ले तो बता वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा ई e. और तुम्हें ध्यान हो बताओ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी तुम्हें पता हो तो बता डेल्टा ई e, एन सीवी डेल्टा टी भी होता है ना ये हम केमिस्ट्री में भी डिराइव करेंगे प्रूव करेंगे बस अभी लेकिन ध्यान रख लो डेल्टा ई e, एन सीवी डेल्टा टी इसको हम दोबारा सब चीजें प्रूव कर देंगे जब आगे पढ़ेंगे बट अभी बस ध्यान रखना तो बता डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई और डेल्टा ई e ही होता है एनसीवी डेल्टा टी या बता लिख लें इसी को क्या लिख सकते हैं एन सीवी टी टू माइनस टी वन तो वर्क डन का फॉर्मूला रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या हो गया एन सी वी डेल्टा टी ये हमें भी ध्यान रखना है बस ये अच्छा इसमें ये जो Cv है ये क्या शो करती है हीट कैपेसिटी को या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को अच्छा सीपी लिखाओ तो एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी को हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये सुन ले हर्ष कुमार आए हैं क्या फॉर्म नंबर टू वन जीरो थ्री सेवन डबल एट नाइन हर्ष कुमार तो देख ले आप ध्यान से तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अब ये मोलर हीट कैपेसिटी में मतलब मोलर का क्या है मतलब ये जो हीट कैपेसिटी है ये वन मोल सब्सटेंस के लिए वन मोल गैस के लिए होगी ना अच्छा अच्छा वन मोल के लिए होगी मतलब इसकी यूनिट में मोल इनवर्स या पर मोल होगा

कि डायरेक्ट सीवी नहीं देगा सीपी दे देगा तो बता हम ला सकते हैं यहां से सीपी माइनस सीवी रखना आर की वैल्यू का कि सीपी या सीवी जिस यूनिट में होगी अगर जूल में है तो आर भी एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल में पुट करोगे अगर कैलरी में है तो टू पुट करोगे तो बता सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर से ला सकते हो सीवी की वैल्यू यहां पुट कर दोगे या थर्ड अब फिजिक्स की चीजें मतलब मैं अगर तुम्हें गामा दे दूं या दोनों साइड्स सीवी से डिवाइड कर दूं तो बता सीवी से डिवाइड कर दूं मैं दोनों साइड्स तो बता सीपी सीवी माइनस सीवी सीवी टू आर सीवी। ये कट गया वन अच्छा सीपी बाय सीवी क्या होता है गामा तो बता गामा माइनस वन इक्वल्स टू आर अपॉन सी वी या बताए सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस वन अब ये सीवी की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें हम तो इसी का सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा तो इसी का सेकंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा तो बता एनआर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन अच्छा लेकिन ना ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इसमें तुम देखोगे तो बता हमें दोनों में T1 T2 ही गिवन हो तभी हम ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं ना T1 T2 गिवन हो तो ही हम यूज करेंगे एनसीवी डेल्टा टी या एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन लेकिन बता यहाँ तो प्रेशर वॉल्यूम भी वेरिएबल होते हैं ना तो बता मैं तुम्हें इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम दे दू पी वन वी वन और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम दे दू पी टू वी टू तो बता वर्क डन ला सकते हो लेकिन बता फिर टी वन टी टू को हटाना पड़ेगा ना यहाँ से कैसे हटाऊं आइडियल गैस इक्वेशन तो बता आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी बोला गैस के लिए कुछ भी ना है तुम तो इसको यूज करो अच्छा बता इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम गिवन है तो बताइए लिख लें साथ में तो बता पी वन वी वन अच्छा लेकिन बता मोल बदलेंगे क्या एक्सपेंशन कंप्रेशन में वो वही रहेंगे इसलिए एनआरटी वन लिखा ओके okay, तीनों वेरिएबल फाइनली गैस का प्रेशर वॉल्यूम पी टू वी टू हो जाएगा तो पी टू वी टू इक्वल टू एन आर टी टू लिख सकते हैं लेकिन बता हमें तो एनआर टी टू माइनस टी वन चाहिए तो बता फाइनल माइनस इनिशियल कर दे तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन इक्वल टू एन आर टी टू माइनस एनआर टी वन तो बता एनआर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एनआर टी टू माइनस टी वन और यही वैल्यू यहां पुट कर दे तो प्रेशर वॉल्यूम की टर्म में भी फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन तो बता वर्क डन का ही थर्ड फॉर्मूला हो गया ये तो वर्क डन इन एट रिवर्सिबल एडीयाबेटिक प्रोसेस इसके 3 फॉर्मूलेज हो गए लेकिन अब मैं एक चीज बोला हमने पढ़ लिए तीनों फॉर्मूले याद हमने तीनों रखने लेकिन न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में ओनली पूछता है इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले पर ही एनसीवी डेल्टा टी न्यूमेरिकल तो इसी पर आएगा और इसके साथ वो कभी-कभी सीपी सीवी इक्वल्स टू आर को यूज करवा लेता बस लेकिन ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें ामा माइनस वन यान अपन गामाइनस 1 ये और ही क्वेश्चन का सारा concept, से बताते हो, और वो, बता, वो भी पॉली डाइटोमिक सबके लिए अलग अलग करते हो तो ये वही मिलना है क्वेश्चन लेकिन खाली फॉर्मूला पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस तो हमें फॉर्मुला याद होना चाहिए बस ओनली अब इसमें छोटे छोटे वो क्वेश्चन पूछता है जो कंपिटिशंस में आ चुके हैं जो वर्क डन के ही तो 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 द मेनली हमने ये ध्यान रखने तीन सी पी माइनस इन पर मिलना है तो ये क्लियर है तो अब हमने बोला रिवर्सिबल तो अब एक जनरल चीज बोल रहा हूं जब भी तुम्हारा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ये ध्यान से पढ़ना कि उसने रिवर्सिबल प्रोसेस बोला है या इिवर्सिबल क्योंकि इसिबल बोला तो हमेशा फॉर्मुला फिक्स माइनस पी डेल्टा वी लेकिन मतलब रिवर्सिबल हुआ तो आइसोथर्मल में अलग है और एडियाबेटिक रिवर्सिबल में तो वो चेक करना पड़ेगा हमें और वो डायरेक्ट भी बोल सकता है या जो हमने थ्योरी पढ़ी उसकी लैंग्वेज को यूज करवाएगा तो अब लिख लें फोर्थ इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम वर्क डन अब बता दो क्या होगा अच्छा बता वैक्यूम में एयर होती है क्या तो बता जब एयर ही नहीं है तो एक्सटर्नल प्रेशर होगा जीरो मतलब प्रेशर no तो ही एक्सिट नहीं होगा तो नो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट इसलिए नेम भी क्या बोला फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस जब वैक्यूम में एक्सपेंड होती है तो बता एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू जीरो लेकिन बता क्या डेल्टा वी जीरो है क्या तो बता माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी तो वर्क डन भी क्या होगा जीरो फिफ्थ लिख लें उसके बाद इन क्लोज वेसल और इन रिजिड कंटेनर अब पहले बता दो क्लोज वैसल अब हमने जो लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी सब वही है The closed vessel या 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 का मतलब है, बता में, तो बता वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो तो बता माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी में लेकिन बता अब के क्या प्रेशर जीरो है क्या तो बता अब के यहां बता फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों पॉइंट्स में वर्क डन जीरो है लेकिन बता दोनों के जीरो होने का रीजन तो डिफरेंट है ना वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होना रीजन है जबकि क्लोज्ड वेसल या रिजिड कंटेनर में डेल्टा वी जीरो होना रीजन है तो ये क्लियर सबको अब इसी में एक और क्वेश्चन जो पूछता है वो भी हमें पता अच्छा था, अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी अभी तक उनमें तुमने ध्यान से देखा हो, हमने हमेशा अकेली गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन करवाया मतलब कभी भी हमने केमिकल रिएक्शन यूज की अभी तक लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा तो केमिकल रिएक्शन के लिए ही पढ़ते हैं हम सब चीजें तो लिख लें सिक्स हेडिंग लिखवा रहा हूं लिख, लिख लें जो बोल रहा हूं लिख लें सिक्स्थ

अब यहां जो लिखा पहले मैं जो पूछू बताना बता इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी पढ़ के बताओ सबसे पहले क्या लिखा है इन एन ओपन अब बता ओपन वेसल में एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल या कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट तो बता एक्सटर्नल प्रेशर पी अब के क्या है यहां कॉन्स्टेंट है और दूसरा बता और क्या कॉन्स्टेंट बोलो वेरी गुड क्यों हमने लिखा था लास्ट क्लास में सेट टेंपरेचर और उनका सबका नेम फिक्स होता है, boiling, only, से में, point, नेम होता है क्या एट अ फिक्स टेम्परेचर बोला था तो बता यहां पर टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट तो बता फेज ट्रांजिशन है इसलिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पता चल गया दूसरा एक और अजम्सन ये ध्यान सुनना दोबारा बोल रहा हूं कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर की थ्योरी में या निमेरिकल में अगर टेंपरेचर के लिए स्पेसिफिकली ना बोले कि इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो हमेशा हम उसको कॉन्स्टेंट मानकर करेंगे तो केमिकल रिएक्शन है कुछ नहीं बोल रहा तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट मानेंगे लेकिन मतलब पहली चीज एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल या कांस्टेंट आपके कांस्टेंट तो बता वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट तो फॉर्मूला क्या बोलोगे माइनस पी डेल्टा वी बोल दोगे ना और वो पी एक्सटर्नल प्रेशर ही है तो बता माइनस पी डेल्टा वी अब बता लिख भी लें तो बता वर्क ओपन वैसल में केमिकल रिएक्शन या ट्रांजिशन में माइनस पी डेल्टा वी मतलब वी टू माइनस वी वन से ला सकते हैं ना लेकिन ये कब ला सकते हैं जब हमें प्रेशर पता हो और V1 V2 पता हो लेकिन ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन में हमें प्रेशर वॉल्यूम देकर वर्क डन रेयरली पूछेगा मतलब हर बार हमें ही लाना पड़ेगा प्रेशर वॉल्यूम को या पी डेल्टा वी को तो अब हम कैसे लाएंगे तो मैं तुमसे बोलूं सिंपल समझेदाना ध्यान से करना बस जैसे सपोज ये कोई केमिकल रिएक्शन है एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच थ्री तो अब हमें पी डेल्टा की वैल्यू लानी है इसके लिए तो वो तुम्हें ओनली टेम्परेचर देगा T बस और T देगा तो हमें वर्क डन की वैल्यू लानी है पी डेल्टा वी को हटाकर टेम्परेचर के टर्म में लाएंगे इसको अब लाने के लिए मतलब यहां पर केमिकल रिएक्शन या फेस ट्रांजिशन में इनिशियल स्टेट किसको बोलोगे रिएक्टेंट्स को बोलोगे ना फाइनल स्टेट किसको बोलोगे प्रोडक्ट्स को क्योंकि फाइनली तो प्रोडक्ट ही मिलेंगे ना इनिशियली रिएक्टेंट फाइनली प्रोडक्ट अब ये कैसे करेंगे तो बता इनिशियली प्रेशर वेरिएबल या constant? अच्छा बता इनिशियली टोटल मोल कितने रिएक्टेंट्स के फोर अच्छा फाइनली कितने हो गए टू अच्छा बता टोटल मोल इनिशियली फोर थे फाइनली टू रह गए तो बता वॉल्यूम सेम रहेगा क्या बदलेगा लेकिन बता क्यों बदल रहा है क्यों किया क्यों V1 और ध्यान रखना यहां जो ये V1 है ये टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स को शो कर रहा है और ये किसकी वजह से है उसके टोटल मोल्स की वजह से और बता जब वो अलग है एन वन तो बता ये वी वन भी होगा फाइनली प्रोडक्ट के मोल फिर बदल गए टू रह गए फोर से तो बता अब एन लिखो या एन टू बोलो एन टू लिखेंगे तो बता यहां मैं क्यों अलग कर रहा हूं एन नहीं लिख रहा अब क्योंकि अब केमिकल रिएक्शन है तो बता अब तो बदलेंगे मोल फोर थे तो बता अब जब मोल बदल गए तो उनका वॉल्यूम भी बदलेगा पहले फोर मोल का वॉल्यूम था इनिशियली बाद में टू मोल का रह गया वॉल्यूम तो बता वी वन वी टू किसके हैं अब यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टोटल वॉल्यूम तो बता अब मैं यहां से फाइनल माइनस इनिशियल लिख भी ले तो बता पी वी टू माइनस वी पी वी वन तो पी कॉमन आ जाएगा पी वी टू माइनस वी वन इक्वल टू क्या लिख दोगे एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी तो आर टी कॉमन आ जाएगा अच्छा बताइए पी वी टू माइनस वी वन क्या है डेल्टा वी तो P डेल्टा V अच्छा जब V2 टू माइनस वी डेल्टा V तो ये भी तो मोल का डिफरेंस हो गया ना तो डेल्टा N RT लिख सकते हो तो बता यही पी डेल्टा भी तो लाना था टेम्परेचर के टर्म में तो यहां पुट कर दे लिख लें तो इसी का दूसरा माइनस डेल्टा एन आर टी तो बता ओपन वेसल में अगर केमिकल रिएक्शन होती है या फेस ट्रांजिशन होता है तो इसके लिए यूज कर सकते हो लेकिन मुझे एक चीज बता दे ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इसमें सॉलिड्स लिक्विड गैसेस सबके मोल कंसीडर करेंगे या ओनली गैसेस के क्योंकि बताइए आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस इसलिए हम गैसेस के लिए यूज करते हैं इसलिए डेल्टा एन की जगह क्या लिखते हैं हम डेल्टा एन जी जिससे कि हमें ध्यान रहे है किसके लिए ये मतलब बता सॉलिड्स लिक्विड्स को कंसिडर नहीं करोगे इसमें ओनली किसको कंसिडर करेंगे गैसेस को अब मैं तुमसे पूछूं बता इस एन टू प्लस थ्री एच टू गिव इसके लिए अगर मैं तुमसे डेल्टा एन जी तो बता बैलेंस इक्वेशन को ही देखोगे ना और ये क्या है एन टू माइनस मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और कितनी वैल्यू माइनस टू अच्छा ये जो तुम बोल रहे हो ध्यान सुनना ध्यान से हम बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट्स के फोर मोल हैं प्रोडक्ट्स के टू मोल हैं बट ये एक्चुअल में मोल है या ऑफ़ सकते तो, फिर सम वहां भी करता? तो बता एग्जैक्ट ही लिख लेना हम फिर इसको तो लिख भी ले डेल्टा एंजी हम लाएंगे बैलेंस डिक्वेशन से और कैसे लाएंगे सम ऑफ स्टाइकेमेट्रिक कॉफिशंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट Minus sum of stoichiometric coefficients of gaseous reactants. तो बस इस डेल्टा एनजी अच्छा फेस ट्रांजिशन हो तब भी बैलेंस तो बस एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है ये फॉर्मूला जब यूज करोगे तो सबसे पहले तुम्हें बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि तो इक्वेशन से ही तो पता चलेगा डेल्टा एनजी की वैल्यू क्योंकि तो सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक स्टाइकमेट्रिकिश ऑफ गैसियोडक्ट माइनस गैसियंट डेल्टा एनजी की वैल्यू ले आएंगे यहां पुट कर देंगे लेकिन डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है दोनों में से तो वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा माइनस पी डेल्टा वी भी यूज कर सकते हैं कभी या माइनस डेल्टा एन जी आर टी भी तो बताइए चीज क्लियर सबको अब ये हमने डिफरेंट टाइप्स के वर्क डन के एक तरह से न्यूमेरिकल ही है जो हमने लिखवा दी कि क्या क्या पूछ सकता हूं लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं चेक सबसे पहले करना कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल रिवर्सिबल तभी हम ये फॉर्मूले जो हमने पढ़ लिए इतने सारे उनको अप्लाई कर पाएंगे लिख ले क्वेश्चन अब जो हमने पढ़ा इनको यूज हमने किस तरह से करना है एन आइडियल गैस एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम फाइव लीटर टू Fifteen litre from five litre to fifteen litre against against constant external pressure of against constant constant external pressure of four ATM against कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ फोर ए टी एम फाइंड फाइंड वर्क डन इन जूल फाइंड वर्क डन इन जूल अच्छा पहले मैं पूछू मुझे जब बोल रहा हूं अच्छा ओनली मुझे बस इतना से बता दो यह प्रोसेस कौन सा है रिवर्सिबल या ए रिवर्सिबल बोलो ये ध्यान रखना इ रिवर्सिबल हुआ तो कभी भी नहीं लिखेगा क्वेश्चन में कि वो इर रिवर्सिबल है तुमने ही आइडेंटिफाई करना है हर बार पढ़ो क्या लिखा है वॉल्यूम वी वन से वी टू चेंज हुआ लेकिन अगेंस्ट क्या लिखा है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो बता ये किसकी प्रॉपर्टी होती है इर रिवर्सिबल जो हमने सारा समझाया था तो बता इन रिवर्सिबल का तुम तो बस पहले फॉर्मूला लिख लो वो करवा देगा आगे का क्वेश्चन तो बता माइनस पी एक्सटर्नल माइनस वी वन करोगे लेकिन बता इससे जो वर्क डन किसमें आएगा लीटर एम में तो तुम्हें किसमें पूछा है जूल में तो बता यही इंटू हंड्रेड एंड वन पॉइंट थ्री जूल कर दो तो बता आंसर आ जाएगा फोर इंटू फाइनल वॉल्यूम फिफ्टीन माइनस फाइव इंटू जूल जूल तो आंसर विल बी इन और एक चीज ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने खुद ने बहुत इजी कर दिया क्यों क्योंकि मैंने लिखा ऑप्शन में कि वर्क इन जूल फाइन करें लेकिन मतलब अभी ऑप्शन नहीं थे लेकिन ऑप्शन होंगे तो तुम्हें चेक करना वहां पर कि वो जूल में आंसर दे रहा है या कैलरी में या लीटर एटीएम में तो ये क्लियर सबको ये नेक्स्ट लिखें। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड। मत लिखना सॉरी वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग वॉल्यूम वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस having volume 2 liter basically 2 liter at 12 ATM pressure 12 ATM pressure and twenty seven degrees Celsius. and twenty seven degrees Celsius is expanded is expanded isothermally, is expanded isothermally against constant external pressure of against constant external pressure of 2 atm until the continuous against constant external, the, constant external pressure of 2 atm until the constant external pressure of 2 atm until the pressure of gas becomes until the pressure of gas becomes 2 atm until the pressure of gas becomes 2 atm find find work done in liter atm find work done in liter atm प्लस माइनस करेक्ट और बहुत छोटा सा क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लगा अच्छा पहले तो मुझे बता, ये कौन सा प्रोसेस है अभी कुछ स्टूडेंट्स इतने सारे प्रेशर देख ही कंफ्यूज हो गए और कुछ ने तो रॉन्ग कर लिया अब बता इसमें बता ये कौन सा प्रोसेस है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल पढ़ो ध्यान से मैंने बोलता यहां पर क्या लिखा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बता यहां पर ये इिवर्सिबल हुआ और तुम तो उसका फॉर्मूला लिखो वो समझाएगा कैसे करना है तो बता माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन और आंसर अब के तो लीटर एटीएम में ही पूछा है तो कन्वर्जन भी नहीं करना हमने लेकिन बता यहां पर इ रिवर्सिबल डन जब लाओगे तो एक्सटर्नल प्रेशर टू ए के अगेंस्ट दे रखा है अच्छा V2 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अच्छा गैस का इनिशियल वॉल्यूम तुम्हें खुद ने दिया उसने टू लीटर लिखा ना अब लेकिन बस अभी लेकिन सुनना ध्यान से कुछ स्टूडेंट्स ये मैंने जानबूझ के इतने सारे प्रेशर दिए थे कि तुम इनको अप्लाई कैसे करते हो मतलब यहां उसने लिख कर दे दिया अच्छा ये लिख कर दिया कि गैस का फाइनल प्रेशर टू एटीएम हो गया ये ना भी लिखता तो भी हम टू एटीएम ही लेते क्योंकि बता कोई भी प्रोसेस जब फिनिश होता है फाइनली एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर इक्वल ही होते हैं ना तो गैस का इंटरनल प्रेशर तो लास्ट में जाकर टू एटी होना है लेकिन दिया कुछ ने तो वर्क डन को फॉर्मूला रिवर्सिबल वाला यूज कर लिया कि इतने सारे प्रेशर दिए तो पी वन बाई पी टू कर लिया और ऑप्शन देखकर खुशी भी हो जाएगी तुम्हें इसलिए बोलो ध्यान से पढ़ो अब यहां पर ये दिया क्यों फाइनल प्रेशर उसका रीजन बता तुम्हें इनिशियल वॉल्यूम बी वन तो दिया है P1 वन प्रेशर ट्वेल्व एटीएम पर लेकिन बताओ P2 टू प्रेशर जब टू atm हो गया तब फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ डायरेक्ट लिख कर दिया क्या पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं लिखा तो बोला था फॉर्मूला लिखना वो बताएगा कहाँ चेंज किया अब उसने दिया ही नहीं है तुम्हें क्वेश्चन में V2 पहले वाले क्वेश्चन की तरह तो हमें लाने के लिए P1 P2 चाहिए ना और ये आइसोथर्मल लिखा उसने अच्छा इस क्वेश्चन में सुनना ध्यान से मैं इसको अच्छा करता छोटा सा एक वर्ड चेंज करता हटा देता आइसोथर्मल तो भी ये आइसोथर्मल था क्योंकि बता अकेले टेम्परेचर पर तो हो रहा है ना प्रोसेस तो भी अंडर स्टूडे की आइसोथर्मल है तो बता अब आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज टू एन अच्छा बता एन कांस्टेंट एक्सपेंशन में आर कांस्टेंट टी तो कांस्टेंट है ही तो बता पी इक्वल्स टू पी टू वी टू लिख सकते PV हो ना पी वी कॉन्स्टेंट बोलो तो बता पी वन पता है ट्वेल्व वॉल्यूम पता है पी टू टू में टू पता है तो वी टू की वैल्यू कितनी हो गई ट्वेल्व लीटर ही हो गई और ये वैल्यू यहां पुट कर दो आंसर विल बी माइनस ट्वेंटी लीटर ए तो बता ये क्लियर सबको ये सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन फिर भी अच्छा हो गया कुछ के लिए तो बताइए ध्यान रखोगे बस चेंज करने की जगह यही है अब इसी का एक और चेंज में बोल रहा हूं इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रहेगा सेम डाटा रहेंगे प्रोसेस भी सेम प्रोसेस भी आइसोथर्मल ही रहेगा बस इसी का मैं चेंज कर रहा हूं लिख लें लिख लें इफ अबव प्रोसेस इफ

फाइंड वर्क डन मतलब सेम प्रोसेस अभी हमने इ करवाया अब इसी को रिवर्सिबली करवाया अच्छा बता रिवर्सिबल है वो तो उसने खुद ने बोल दिया लेकिन बता रिवर्सिबल में भी दो तरह के हमने पढ़े हैं आइसोथर्मल एडियाबैटिक है, तो बता कौन सा है वो भी लिखा हुआ पहले वाले में आइसोथर्मल है तो बताओ आइसोथर्मल रिवर्सिबल का ही फॉर्मूला लिखोगे माइनस टू पॉइंट या वी टू बाई वी वन दोनों में से जो इजी लगे वो यूज कर लो आंसर तो सेम ही आना है क्योंकि बताओ पी वन पी टू भी पता है गैस के या वी टू तुम ले आए गैस का तो वी वन वी टू भी पता है तो पी वन बाई पी टू या वी टू बाई वी वन वाला फॉर्मूला और वर्क डन जो लाओगे वो लीटर एटीएम में ही लाओगे क्योंकि पहले वाले में भी उसी में लाए तो बता माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो पहले वाले क्वेश्चन क्वेश्च में नंबर ऑफ मोल्स वन अच्छा लेकिन बता आर की वैल्यू कितना यूज करोगे एट पॉइंट थ्री वन फोर या पॉइंट जीरो अभी आवाज आई एट पॉइंट थ्री वन फोर यही सबसे बड़ी सिली मिस्टेक

लॉग V2 टू बाई वी वन ट्वेल्व बाई टू या बता P1 वन बाई पी रखोगे तो भी यही है और ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगी लॉग सिक्स की वैल्यू पॉइंट सेवन एट इनको मल्टीप्लाई तुम करोगे थोड़ा सा लेंदी होगी लेकिन तुम कर ही लोगे तो आंसर आएगा फोर्टी फोर पॉइंट वन एट लीटर एटीएम 44.8 फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर अब यहां पर जिसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया वो ध्यान सुनना जो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी में एक पॉइंट बोला था मैंने मतलब रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं पाथ होते हैं पाथ होते है, मतलब सेम प्रोसेस को हम रिवर्सिबली करवाएं इरिवर्सिबल रिवर्सिबल करवा तो पाथ बदलते हैं लेकिन प्रोसेस तो एक ही है दोनों बार लेकिन मतलब पाथ बदलता है तो मतलब वर्क डन सेम आता है या डिफरेंट आता है डिफरेंट आना चाहिए क्यों क्योंकि वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट पाथ फंक्शन होता है तो चेक कर लो वर्क डन पाथ फंक्शन है irreversible में सेम प्रोसेस करवाया तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना आया ट्वेंटी माइनस तो उसका साइन है वर्क डन इिवर्सिबल में करवाया सेम प्रोसेस माइनस ट्वेंटी लीटर एटीएम लेकिन इसी को रिवर्सिबली करवा दिया तो ये माइनस फोर्टी फोर पॉइंट वन एट हो गया मतलब बता मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा एक्सपेंशन वर्क डन मैक्सिमम है रिवर्सिबल एक्सपेंशन में या इरिवर्सिबल में तो वो तुमसे इस पॉइंट को यूज करवाएगा लास्ट क्लास हमने बोल रहा वर्क डन जब पाथ फंक्शन है तो अलग-अलग आना अलग चाहिए सेम प्रोसेस को तो हमने फिर से प्रूव करा न्यूमेरिकल एबीसी को पॉइंट को कि व्हाई वर्क डन इज पाथ फंक्शन तो ये क्लियर वो भी समझा दिया हमने दोबारा और हमारे एक काम की चीज यहां का कंक्लूजन मुझे बता अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में ये पूछूं फाइंड वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन रिवर्सिबल वर्क डन या मैक्सिमम वर्क डन इन एक्सपेंशन फाइंड मैक्सिमम वर्क डन इन एक्सपेंशन तो बताओ मैंने कौन सा वर्क डन बोला इनडायरेक्टली अभी तो मैंने लिख दिया रिवर्सिबली लेकिन मुझे ना लिखना हो अच्छा करना हो तो मैं क्या बोलूंगा मैक्सिमम वर्क डन इन एक्सपेंशन तो यहाँ का कंक्लूजन लिख ले नोट ये कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वर्क डन का वो इिवर्सिबल एक्सपेंशन के वर्क डन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है तो बताइए क्लियर सबको तो बता मैक्सिमम वर्क डन इन एक्सपेंशन पूछे तो भी हमें ध्यान आना चाहिए कि वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन का ही वर्क डन पूछ रहा है और वाई वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन हमने न्यूमेरिकली भी प्रूव करा है क्लियर सबको ये नेक्स्ट लिख लें लिख लें थ्री मोल्स थ्री मोल्स Of an ideal gas, three moles of an ideal gas is heated, is heated reversibly and adiabatically, is heated reversibly and adiabatically from from 10 degrees celsius to 110 degrees celsius from 10 degrees celsius to 110 degrees celsius find find work done find work done if if heat capacity at constant volume हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज बोर्ड पर सीख लें इज ट्वेंटी जूल पर कैलविन पर मोल हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ट्वेंटी जूल पर कैलविन पर मोल इज ट्वेंटी जूल पर कैल्विन पर मोल दा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन अच्छा दा इसने तो खुद ने लिख दिया रिवर्सिबल एडियाबेटिक ना और बता टे, टी टी टेम्परेचर तो बता फिर हमें पता फॉर्मूला भी क्या यूज करोगे एन डेल्टा टी यूज करोगे टी टू माइनस टी वन लिखोगे उसकी जगह अच्छा बता नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें खुद ने दे दिए थ्री अच्छा सीवी की वैल्यू डायरेक्ट दी हमें लानी पड़ेगी है ना तो बता 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 लेकिन नहीं लिखा लिखा तो 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 में 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 ही हुई फिर से हो तो हो गई तो बता, 20 हो गई T2 minus T1, अच्छा लाऊं या डिफरेंस आएगा क्या डेल्टा टी तो कैलविन डिग्री सेल्सियस में करोगे तो भी सेम आएगा हंड्रेड ही होगा तो हंड्रेड एंड टेन माइनस टेन तो बता आंसर विल बी सिक्स थाउजेंड जूल या सिक्स किलो जूल भी बोल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे टेन मोल्स टेन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस ten moles of an ideal gas is expanded is expanded from one ATM to point one ATM from one ATM to point one ATM at two twenty seven degrees Celsius at 227 degrees celsius find find maximum work done in expansion in kilocalorie find maximum work done in expansion in kilocalorie find maximum work done in expansion in kilocalorie अच्छा दा, ये कौन सा प्रोसेस आपके रिवर्सिबल वेरी गुड कैसे पता चला दा जो अभी हमने नोट लिखा उसका एप्लीकेशन साथ में करो मैक्सिमम वर्क इन एक्सपेंशन पूछा मतलब बता रिवर्सिबल लेकिन रिवर्सिबल में भी एडियाबेटिक या आइसोथर्मल बोलो कहा लिखा उसमें लेकिन टेम्परेचर अकेला दिया तो बता अकेला टेम्परेचर दिया तो आइसोथर्मल अब बता लेकिन बता minus two point three जो थी nrt log v two by v one लिखें आपके या p one by p two क्योंकि बता प्रेशर दिए ना आपके p one p two उसने तो p one by p two भी लिखेंगे लेकिन बता आंसर किसमें पूछा है वर्क डन का किलो कैलरी ten मोल मोल दे रखे हैं हमें अच्छा लेकिन बता R की वैल्यू क्या यूज़ करूं आपके two करोगे तो कैलरी में आएगा फिर लास्ट में तुम थाउजेंड से डिवाइड करोगे उससे अच्छा बता आर यहीं पर किलो कैलोरी में पुट कर दो ना टू अपॉन थाउजेंड या अपॉन थाउजेंड तुम्हारी कैलकुलेशन भी इजी कर देगा यहीं वरना तुमने कैलकुलेशन टफ कर ली फिर तो बता यहां पर और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में या कैलविन में पुट करोगे तो बता 227 डिग्री सेल्सियस को कैलविन में चेंज करोगे तो 500 कैलविन होगा 273 ऐड करने पर और लॉग पी वन बाई पी टू वन कैंसिल हो गया तो कैलकुलेशन इजी करेगा और ओनली एक बार मल्टीप्लाई करना है आंसर विल बी ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो किलो कैलोरी बता ये क्वेश्चन टफ है क्या बहुत ईजी है कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल कर दी उसने और इसीलिए है अब बहुत इजी सा लग रहा हमें क्योंकि अभी हम साथ में पढ़ रहे हैं कि इसने लेकिन कंसेप्ट तुम्हारा चेक कर लिया इसने वो मैक्सिमम वर्क डन इन एक्सपेंशन लिखकर वो हमें ध्यान है या नहीं बाकी तो क्वेश्चन सिंपल से हमने पहले ही बोलते ये चैप्टर बहुत ईजी है क्वेश्चन प्योरली फॉर्मुला बेस्ड होंगे लेकिन बस लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है हमने उसमें उनका सबका रीजन छुपा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे ये भी अच्छा क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूं find work done find work done in calorie find work done in calorie for the vaporisation of for the vaporisation of 2 mole water for the vaporisation of 2 mole water और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है अभी लेकिन बहुतों को तो लग रहा है कि इसमें सर टेम्परेचर लिखवाना तो भूल गए तो जिनको लग रहा है उनको बोल रहा हूं जिनको नहीं लग रहा वो अच्छी बात है वो गुस्सा मत हो यहां पर क्वेश्चन में पढ़ो उसने दे रखा है टेम्परेचर लिखा ना वेपराइजेशन ऑफ वाटर और बता फेस ट्रांजिशन है ना ये वेपराइजेशन ऑफ वाटर है तो तो मैं अभी भी आज भी बोला था कि जब भी फेस ट्रांजिशन या सुन ले मैं जो बोल रहा हूँ ट्रांसिशन या केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन तुम लिखना अगर उसने ना दी हो तो, तो हम लिखेंगे हमें वो कैसे करना है। बता, का मतलब से में बदलेगा ना और बता लिक्विड से जब वेपर में बदलेगा तो इसको वेपराइजेशन बताओ किसी भी टेम्परेचर पर बोल देते हो या ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो और बता वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें बचपन से पता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो वो क्यों लिख कर देगा अगर कोई दूसरा लिक्विड होता तो लिख कर देता तो बता अब यही तो तुम्हें सोचना था कि टेम्परेचर दे रखा है और बता टेम्परेचर पता है तो फेज ट्रांजिशन के लिए वर्क डन का फॉर्मूला बता माइनस पी डेल्टा वी या माइनस डेल्टा इन जी आर टी होता है लेकिन पी डेल्टा वी यूज कर नहीं सकते क्योंकि वी वन वी टू नहीं पता और लाएंगे भी तो भी बहुत लेंदी हो जाएगा तो बता एनजी डेल्टा एनजी ले आए आर बता किस में रखोगे टू अब ओनली टू क्योंकि कैलोरी में पूछा है डिग्री सेल्सियस थ्री जगह थ्री कैलविन पुट करोगे तो बता डेल्टा एनजी तुम सही ले आए तो आंसर आ जाएगा और डेल्टा एनजी लाओगे तो बता समाइकमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स वन माइनस गैसियस रिएक्टेंट है ही नहीं तो कॉफिशियंट नेग्लेक्ट कर दो उसका तो डेल्टा एनजी की वैल्यू वन और ये डेल्टा एनजी की वैल्यू तुमने यहां पुट कर ली तो आंसर रॉन्ग आएगा वेरी गुड अभी जिनका माइनस सेवन फोर्टी सिक्स आया तो जिनका आया वो रॉन्ग है वो तो हम नहीं बोल रहा हूं अब सुन ऐसी क्वेश्चन अच्छा यहां पर ध्यान सुनो डेल्टा एनजी की वैल्यू वन नहीं रख सकता Okay, पढ़ो उसने टू मोल वाटर का मैंने छोटा सा क्वेश्चन फिर भी बहुत अच्छा एक तो टेम्परेचर तुम्हें डेल्टा तो 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 एनजी है और तुम्हें तो टू मोल का पूछा है तो बता टू मोल वाटर का वेपराइजेशन होगा तो टू एच टू लिक्विड टू एच टू गैस लिखोगे या डायरेक्ट इसी से कर लो वन मोल के लिए डेल्टा एन जी वन तो टू मोल के लिए टू तो इन टू टू करना था आंसर विल बी माइनस फोर्टीन नाइनटी टू कैलरी अच्छा किस किस का फर्स्ट टाइम में सही आया फर्स्ट टाइम में वेरी गुड अच्छा माइनस सेवन फोर्टी सिक्स किस किस का आया अब ये ध्यान रखो ये नहीं कि नहीं आता था तुम्हें क्वेश्चन क्वेश्चन आता था हमने लेकिन केयरलेस मिस्टेक सिली मिस्टेक भी नहीं बोलूंगे तो जान बुझ के करने वाली मिस्टेक कि पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन ध्यान से कि टू मोल के लिए पूछ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब ये जितने तरह के मैं चेंज कर सकता हूँ वो मैंने सब बता दिए बता कर लेंगे अब इनके वर्क डन के और ये फेस ट्रांजिशन केमिकल रिएक्शन आगे बहुत काम आनी है इसलिए अभी से ध्यान से करो चेंज करने की अच्छा एक चेंज में वर्बली बोल रहा हूँ सुन ले हमने पढ़ा था कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन के जहां भी मोल लाने थे हमने मोल डायरेक्ट दिए लेकिन अगर मैं सबके मासेस दे दूं तो भी मोल ला सकते हो मास अपन मोलिकुलर वेट से हम ले आएंगे मोल तो कर लेंगे अब यहां तक तो हमने पढ़ा सब चीजें क्लियर है अब एक और चीज हमने बोला था इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा हमें फोर एनर्जी पढ़नी है इंटरनल एनर्जी एंथेल्पी एंट्रोपी गिब्स एनर्जी तो लिख लें उसमें इंटरनल एनर्जी कैपिटल ई या कैपिटल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी ई या यू दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट करें अब इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या है सिंपल मैं इसका नेम ही बता रहा है एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम मतलब उसके अंदर की एनर्जी और किसी भी सिस्टम के अंदर की एनर्जी बता उसमें प्रेजेंट सब्सटेंस की वजह से ही होगी ना और सब्सटेंस में भी किसकी वजह से होगी उसके पार्टिकल्स मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से तो ये इंटरनल एनर्जी है क्या एटम किसी भी सिस्टम में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो जितने टाइप की पॉसिबल एनर्जी शो करते हैं उन सब एनर्जीज का सम ही हम क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी तो लिख लें इट इज इट इज सम ऑफ़ it is sum of all possible sum of all possible kinds of energies sum of all possible kinds of energies of of atoms and molecules of atoms and मॉलिक्यूल्स इन अस्टम ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अस्टम इन अस्टम लिख लें बोर्ड पर से अब ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब वो डिफरेंट टाइप की पॉसिबल एनर्जी शो करते हैं अब बता उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा तो मूवमेंट या मोशन की वजह से काइंटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से होगी और elect, में लिख बोर्ड पर जो मैं इलेक्ट्रिख लेट इज काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे तो ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जब वो रोटेट करेगा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर तो बता न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी तो जितनी भी टाइप की पॉसिबल ऑफ एनर्जीज हैं उन सब का सम होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम और काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग टाइप की एनर्जीज का सम हो सकती है अगर वो रोटेटरी मोशन करे तो रोटेशनल एनर्जी होगी वाइब्रेटरी मोशन करे तो वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन करे तो ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी तो इन सब एनर्जीज का जो सम है वही क्या है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अब लेकिन सुनना ये जो इंटरनल एनर्जी है भी मैं लिखवाऊंगा सुन ले इंटरनल एनर्जी जो है इसकी एब्सल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते सिंपल सा रीजन बिकॉज हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड तभी कर सकते हैं जब पहले तो हमें पता चले कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से टाइप की पॉसिबल एनर्जी शो करेंगे इसलिए तो वर्ड लिखा ऑल पॉसिबल ऑफ एनर्जीज पहले तो वही पता चले कौन से टाइप की शो करेंगे वो पार्टिकल्स एनर्जीज और अगर पता चल भी गया तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला सकते कैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ये एग्जैक्ट ला नहीं सकता मैं क्योंकि हाइजनबर्ग एंसेंट इंडिप्रेंसिपल

the absolute value of internal energy e the absolute value of internal energy e cannot be determined internal energy e cannot be determined but but we can determine बट वी कैन डिटर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई बट वी कैन डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई बाय बॉम कैलरीमीटर बाय बॉम्ब कैलरीमीटर बाय बॉम कैलरीमीटर तो अगर मैं डेल्टा ही लाऊंगा लिख भी लेना बोर्ड पर से अगर बताओ मैं डेल्टा ई फाइंड करूंगा तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल ही देखूंगा ना वैल्यू स्टेट इनिशियल फाइनल ही देखूंगा लिख लें डेल्टा ई ई ई इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल लेकिन बता इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या एग्जैक्ट ला सकते हो क्या ओके एब्सोल्यूट ला नहीं सकता मैं लेकिन डिफरेंस ला सकते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे बॉम्ब कलरीमीटर या दूसरा यूज बता दूँ साथ में फर्स्ट लॉ थी लेकिन इसी के लिए मतलब हमने पढ़ा ना आज बी फ्रॉम डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू मतलब क्यू और डब्ल्यू एक्जेक्ट ला सकते हो तो डेल्टा ई e आ जाएगा ना एक्जेक्ट जरूरत ही नहीं है ई e की एक्ट वैल्यू की नेक्स्ट पॉइंट लिख लें इसी में इट इज एन इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन अब ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था अब इसका रीजन क्यों ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन है सिंपल सा रीजन अच्छा एक्सटेंसिव का मतलब हाइपोथेटिकली सिस्टम को हम हाफ करेंगे तो बता जो प्रॉपर्टी बदल जाएगी वो एक्सटेंसिव होती है अब बता यहां पर जब हमें सिस्टम को हाफ करूंगा सपोज गैस है इसमें गैस को हाफ करूंगा तो उसका मास हाफ होगा ना और मास हाफ होगा तो बता काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर या पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हाफ हो जाएंगी ना तो बता, दो बदल जाएंगी तो ये सम भी तो बदल जाएगा तो मेजरमेंट करोगे तो पाथ देखोगे इनिशियल फाइनल वैल्यू मतलब इनिशियल फाइनल स्टेट देखोगे तो पाथ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट मतलब स्टेट फंक्शन हुई दूसरा अब एक चीज ध्यान रखना आगे जो मैं बता रहा हूं उस थ्योरी का सबका यूज करने के लिए ये ध्यान रखना थर्मोडाइनेमिकली मतलब हम सबसे ज्यादा चेंज अभी तक भी जो हमने किया वो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में ही किया ना तो थर्मोडाइनेमिकली प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बदलने पर ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर एनर्जीज चेंज नहीं होती हैं इन अ प्रोसेस क्यों क्योंकि ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती अगर करती होती तो बता तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में कभी भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यूज किए क्या नहीं करे तो बता फिर वो डिपेंड करती नहीं है इसलिए तो यूज नहीं करे करती तो अफेक्ट होता तो बता यहां पर अब मैं तुमसे पूछू बताना तो बता कि अगर मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो बता ये दोनों तो कभी बदल नहीं सकती इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर एनर्जी लेकिन बताओ काइनेटिक एनर्जी तो बदल सकती है ना पोटेंशियल एनर्जी तो थर्मोडाइनेमिकली प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर या बदलने पर बदल सकती है तो बता मैं ये बोल दू इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी एनर्जी एंड पोटेंशियल अब जो भी चीज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा इसका वो यहां से बताना तुम्हें का ई प्लस पी इनका चेंज जिसमें हो गया तो इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी ये दोनों चेंज नहीं हुई तो इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी अब लेकिन पहले हमें पता हो कि काइनेटिक एनर्जी मेनली गैसेस के लिए या किसी के लिए भी डिपेंड किस पे करती है तो तुम ही बता दो सबसे ज्यादा बताओ काइंटिक एनर्जी को अफेक्ट करने के लिए पूरी केमिस्ट्री में तुम किसको बदलते हो टेम्परेचर से यही पढ़ रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो बता, ये बताओडाइनेमिकली काइनेटिक एनर्जी मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम तो अफेक्ट करते ही नहीं है इसको नेग्लिजिबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इसी तरह से लिख लो शॉर्ट में साथ में काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर अच्छा बता ये पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है बोलो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर करती है ना इंटरमोलिक अच्छा अगर अकेली गैस है तो तुम क्या बोलते हो अकेली गैस में कि उसमें वेंडरवाल फोर्सेस हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बोलो तो बता इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ लेकिन अभी सुन लें चीज बोल मतलब वही गैस अगर केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हुई तो बता फिर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी क्योंकि वो रियल गैस बन जाती फिर और बता तुमने बॉन्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करवाया पोटेंशियल एनर्जी को केमिकल बॉन्डिंग तुमने स्टार्ट करी सबसे पहले यही पढ़ा था कि दो एटम्स में जब बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है मतलब बता बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो अफेक्ट करती है ना इसको तो केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन में हम इसको क्या बोलेंगे डिपेंड्स ऑन आईएमएफ या ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ है और फेज ट्रांजिशन में भी बता स्ट्रॉन्गर vapor तो बता पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी ना वहां या सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो सॉलिड के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो बता बॉन्ड स्ट्रेंथ तो तो पर भी डिपेंड करती है ना पोटेंशियल एनर्जी अब जो भी यहां से क्वेश्चन वो इन्हीं से बताना है तुम्हें लिख लिया सबने लिख लें तो द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पोटेंशियल एनर्जी मुझे बदलनी है तो किसको बदलना पड़ेगा इनमें से कोई एक आई एम एफ या बॉन्ड स्ट्रेंथ अब मैं तुमसे जो लिख लें पॉइंट नेक्स्ट लिखे इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी, इंटर्नल एनर्जी।

बिकॉज बता इसी से मैंने अभी बोला इसी से बताओ जो भी पूछो इसी प्लस सोचो। अच्छा बता आइडियल गैस क्या लिखा ऑफन आइडियल गैस मतलब अकेली गैस है ना बता अकेली गैस है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है आईएमएफ पर और तुमने पढ़ा के टी जी में बताइियल गैस में आई होते हैं जीरो और आई जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी पीई जीरो लेकिन बता काइंटिक एनर्जी पर तो डिपेंड करेगी ना फिर ये और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है टेम्परेचर पर तो लिख लें बिकॉज बिकॉज आई एम एफ इक्वल टू जीरो इन आइडियल गैस बिकॉज आई एम एफ इक्वल्स टू जीरो इन आइडियल गैस सो बिकॉज आई एम एफ इक्वल्स टू जीरो इन आइडियल गैस सो पीई इक्वल्स टू जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो तो बता इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड किस पे करेगी ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो आइडियल गैस की जीरो हो गई तो ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर तो इंटरनल एनर्जी भी आइडियल गैस की ओनली ऑन टेम्परेचर या तुमने बताओ केटीजी में पढ़ा है वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस मोनो एटॉमिक की काइनेटिक एनर्जी बता थ्री बाई टू आर टी होती है ना तो इससे भी बता सकते हो ये बता थ्री बाय टू आर टी में लिख लें बता ये आर कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो ही काइनेटिक एनर्जी बदलेगी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी तो इंटरनल एनर्जी को बदलेगी वो तो ये क्या है फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस है काइनेटिक एनर्जी थ्री बाई टू आर टी इसलिए बता हमने बोला इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑनली ऑन टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस नेक्स्ट लिख ले बोर्ड पर से इसी के लिए इसी पॉइंट को लास्ट पॉइंट को यूज करके अब तुम मुझे क्वेश्चन बताना जो लिखा है बोर्ड पर और ये बहुत बार कंपिटिशन में आ चुका है थ्योरी का पॉइंट भी बोल दो या क्वेश्चन बोल दो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस मतलब इसके लिए डेल्टा ई e की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं याद तो तुम तो सिंपल सा जो अभी थ्योरी पढ़ी वो अप्लाई कर लो अब बता क्या बोला ओनली एक्सपेंशन ऑफ एन एडल गैस या आइसोथर्मल आइसोथर्मल अच्छा बता है तो टेम्परेचर वेरिएबल या कॉन्स्टेंट अच्छा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट और काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट तो बता इंटरनल एनर्जी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट और बता इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल फाइनल स्टेट पर इंटरनल एनर्जी डिफरेंट हो गया या सेम सेम होगी तो इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इक्वल तो बता इनका चेंज क्या आएगा जीरो तो बता अकेली आइडियल गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन भी करवा ले तो भी डेल्टा ई जीरो आना है लेकिन सब जगह ओनली आइसोथर्मल में आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस और रीजन क्योंकि तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो उसके लिए और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो नहीं रही क्योंकि तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये चीज ले सबको अब इसी का एक और ये जो लास्ट हमने फिर मैं हूँ के ई प्लस पीई के अकॉर्डिंग बताना जो मैं फिर उनसे पूछूंगा फिर से रीजन में ऑलरेडी बता चुका लिख नेक्स्ट इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर अ केमिकल रिएक्शन फॉर अ केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांजिशन आप सुन लें इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर अ केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांजिशन डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो टू जीरो होती है मैंने खुद ने बोल दिया लिख लें डेल्टा ई इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो अब मुझे बता दें इसका रीजन क्यों ये जीरो नहीं है अब के जबकि बता आइसोथर्मल प्रोसेस अभी भी है तो तुम्हें तो बोला कुछ भी ना है तुम तो इसको यूज करो के ई प्लस पीई ये जो लिखा हमने इसको अप्लाई करना है बस तो बता के ई प्लस पीई अच्छा बता टेम्परेचर वेरिएबल या कॉन्स्टेंट तो बता काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी कांस्टेंट है वो नहीं बदली अभी भी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट तो ही है आइसोथर्मल में भी चाहे रिएक्शन हो चाहे फेस ट्रांजिशन हो आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट लेकिन बताओ अब के क्या पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट है क्या बताइए अकेली गैस है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और जैसे बता मैं रिएक्शन ही बोलू एन टू प्लस थ्री एच टू गिव टू एन एच थ्री अब बताओ नाइट्रोजन हाइड्रोजनिया की क्या बॉन्ड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या ट्रांजिशन सॉलिड से लिक्विड बनेगा अगर तो बता बॉन्ड डिस्टेंस बदलती है ना और बॉन्ड स्ट्रेंथ बदलेगी तो बता पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट या वेरिएबल तो बता यहां पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है और रीजन उसका बिकॉज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रें अगर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं रही तो बताओ फिर इनका समझ तो जाएगा ना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम तो अभी भी बदलेगा काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल का मतलब इनिशियल फाइनल अलग आएगी तो बताओ फिर इनका सम इंटरनल एनर्जी वो भी वेरिएबल होगी और वेरिएबल होगी इसका क्या मतलब है बता इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू इंटरनल एनर्जी की इक्वल या डिफरेंट वेरिएबल का मतलब इनिशियल अलग होगी फाइनल अलग होगी और डिफरेंट तो बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल से वो भी डिफरेंट आएगा तो ये चीज क्लियर सबको ये अब यहां पर एक चीज सुनना मतलब हमने अभी बोला इंटरनल एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन और फेस ट्रांजिशन में डेल्टा ई जीरो नहीं है लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ये इतनी बार क्वेश्चन में आता है कि कुछ तो खतरनाक रट लेते हैं कि आइसोथर्मल देखते हैं डेल्टा ई जीरो वो नहीं है अच्छा बता आइसोथर्मल में अगर एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस है तो मुझे बताना इंटरनल एनर्जी जीरो Wrong है, सुना भी नहीं मैंने क्या बोला इसीलिए मैंने बोला था खतरनाक रट लेते हैं जीरो कर देते हैं आज तो मत पढ़ते ही ऐसे थोड़ा तो बोल रहा था मैं बता तो मैंने क्या बोला इंटरनल एनर्जी मतलब मैं तो ई की बात कर रहा हूं और ये जीरो या कांस्टेंट उसका चेंज जीरो है इसलिए हर बार लिखा है चेंज डेल्टा ई हमने जीरो आयसुद तो, तो ये पढ़ना ध्यान से दोनों तरह के क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में जहां उसने एक बार बोला कि डेल्टा ई तो जीरो करेक्ट था लेकिन दूसरी बार पूछा था इंटरनल एनर्जी जीरो पहले ही ऑप्शन लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा ई जीरो है तो बता ये चीज क्लियर सबको अब ये सारी एनर्जीज बता हमने बोला था हम जो इनका रिलेशन भी डिटरमाइन करते हैं एनर्जीज का और वो हम डिटरमाइन किससे करते हैं डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से और उसमें से हम फोर लॉस पढ़ते हैं जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड और उसमें से जीरो का थर्ड का ओनली स्टेटमेंट काम का है मेनली तो फर्स्ट एंड सेकंड काम आते हैं तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लॉट और बताए जीरो थॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो है अब ये बिल्कुल सिंपल सा लॉ है और इसका मैं सिम, इसको रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में तुमसे पूछ रहा हूं बिल्कुल इजी सा लॉ है ये तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं बोलू लिख भी लेना साथ में बोर्ड पर से टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली बोर्ड पर से बस जो लिख रहा वही लिख लो आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम पहले तो मुझे बता दो मैंने क्या बोला टू सिस्टम सी पहले तो बता थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है अब ये सब हमने पढ़ा लास्ट क्लास में बता टेम्परेचर इक्वल मतलब बता क्या है टी ए इक्वल्स टू टी सी ये तुम्हें बता दिया उसने थर्मल इक्विलिब्रियम बोलकर और टी बी इक्वल्स टू टीसी तो बता वेन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम थर्ड सिस्टम सी देन बताओ ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अदर बता यही क्या है जीरो तो मतलब टी ए इक्वल्स टू टी बी तो बता ये चीज क्लियर सबको ये तो दैट टी ए इक्वल्स टू टी सी या टी बी इक्वल्स टू टी सी तो टी ए इक्वल्स टू टी बी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और मैं पूछ सुना रहा हूँ और तुमने बोल अभी मैं नहीं लिखवाता लेकिन तुमने बोला ना इसलिए लिखवा रहा हूँ लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब तो मैंने बोल दिया था अब मैं <coughs> लिख दिया बता दिए नहीं ए एंड बी सेपरेटली थर्मल थर्मोलिक्विबियम विद एड बी आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम जो रिप्रेजेंटेशन में बोला वही स्टेटमेंट है अब लिख ले इतनी देर में हमारा हो जाता है फर्स्ट लॉ फालतू तो टाइम पास करो जो लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छा ये जो फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है या उस पर बेस्ड होता है yes. तभी तो बता बोला इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता था, अलग नाम क्यों बोलते ऑन दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे